की पहलवान, चंद्रकांत अग्निपल, प्रहलाद जी गुंजर और श्री बाबूराम जी बिश्नोई, योगेंद्र जी शर्मा, झुंझुनू डेयरी चेयरमैन सीता जी, विधायक प्रेम सिंह जी, पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी और जिला अध्यक्ष हमारे श्री हरिराम जी ढिंगवा और हमारे नीम के थाने के प्रधान चंद्रा देवी जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित तो पहली मेरी माता बहने आप सबको मैं राम राम करना चाहूंगी। और यहां उपस्थित सब मेरे भाई और सब मेरे बुजुर्गण आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। यह अपार प्रेम और स्नेह हम सबको दिया है उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत दिल से आभारी। वैसे मैं कहना चाहूंगी कि आज हम आपके सामने खड़े तो हैं, मैं देख रही हूं कि मेरी बहू ने ये मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी सभा में भाषण दिया है। मैं साथ में लाई थी, मैंने कहा चलो तो सही, एक दफा करके देखे तो सही बिरादरी के लोग क्या कहते हैं। यहां आज इतना ही कहने आई हूं कि किसी की बेटी हूं तो किसी की बहू और किसी की संबंधी हूं, परंतु यह मैंने कहा कि और दो चार बेटे होते तो और लोगों को मैं इकट्ठा कर लेती हूं, परंतु आज मुझे इतनी खुशी है कि हम सब लोग आप लोगों के बीच में यहां तक रहे हैं। मेरी एक छठवां चरण जिसके अंदर 8000 किलोमीटर हमने पूरे कर लिए और मुझे लगता है कि अभी 2000 या 11-12 हजार किलोमीटर और हम लोग तक पूरा करेंगे। इसके बीच में आप लोगों के बीच में यह आना हुआ है। मैं बहुत ही भारी दिल से आज आप लोगों के बीच में हूं क्योंकि मैं जब देखती हूं कि राजस्थान के अंदर क्या क्या हुआ है, 4.5 साल की कभी समीक्षा करती हो तो मेरे को बहुत घबराहट होती है क्योंकि प्रदेश को चाहे छोटे छोटे कदम न हो कदम आगे लेते रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस देश के अंदर राजस्थान भी एक अच्छे प्रदेशों में गिना जाए, एक अग्रणी प्रदेश में गिना जाए। ऐसी परिस्थिति उसकी होनी चाहिए। जब 2003 में आपने प्रदेश हमारे हाथ में सौंपा तो कैसी जर्जर हालत में सौंपा वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। बीमारू प्रदेश का राजस्थान जो हमको हाथ में मिला और हम लोगों ने 5 साल मेहनत करके उस बीमारू प्रदेश को अपने पैर पे खड़े करने का काम किया और अपने पैर पे ही खड़ा नहीं किया, परंतु अग्रणी प्रदेशों के अंदर उनकी गिनती होए ऐसी स्थिति में ला के राजस्थान को छोड़ दिया। मैं जानती थी कि इतने साल 65 वर्ष निकल गए और 65 वर्ष के अंदर अगर आप मेरा 5 साल और भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दो तो 53 वर्ष लगातार हम लोगों ने कांग्रेस को दिया। 5 साल के अंदर मेहनत करके हम लोगों ने प्रदेश को बदल दिया, परंतु 53 साल में हमको किस हालात में ला के छोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने वो आप सब यहां बैठे हैं वो सब गवाह है इसकी कि हमको अगर गर्त में किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो वो है कांग्रेस। उसका नाम उस कांग्रेस ने 53 साल के अंदर हमारी ये हालत करके रखती है। कभी कोई मेरे से पूछता है क्या हालत, मैंने कहा कि 53 साल के बाद ये हो सकता है कि पीने को पानी नहीं मिले, क्या ये हो सकता है कि लोगों को घर के अंदर खेत के अंदर बिजली न मिले, क्या ये हो सकता है कि महिला अपने आप को असुरक्षित पाए, क्या ये हो सकता है कि हमारी महिलाओं के खिलाफ इतने अत्याचार अपने प्रदेश के अंदर हो, क्या ये हो सकता है कि हमारे नौजवान को आज पलायन करके किसी दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी ढूंढनी पड़े, अपने प्रदेश के अंदर उसको नौकरी नहीं मिले। ऐसी भी स्थिति कैसी हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्या कि राजस्थान का किसान जो हमेशा हरे भरे खेतों में खड़ा होता था, जो हमेशा अपने पैर पर खड़ा होता था, आज आत्महत्या के कगार के ऊपर खड़ा हो गया है? ये कभी नहीं था। ये हमने आंध्र प्रदेश में सुना, ये हमने महाराष्ट्र में सुना, पर कभी राजस्थान के अंदर नहीं सुना कि हमारे किसान की आज क्या हालत हो सकती है। और बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना खाद के, बिना बीज के, बिना अच्छे दाम के आज हमारा किसान आत्महत्या के कगार के ऊपर आके खड़ा हो गया है। क्या ये भी कोई ऐसी सरकार कर सकती है? इसी तरीके से आप देख लीजिए,
टीचर नहीं है, सड़क है तो जर्जर आई हुई, और रोजगार रोजगार काम की चीज भी नहीं है। इसीलिए बहुत ही भारी दिल से आप लोगों के बीच में आके करी रस्ते में आज छठे पांच मैंने जो संवाद देखे हैं, पांचों संवाद के अंदर एक ही आवाज उठी है, सर हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। अरे इतने सालों बाद क्या यही होता है? उधर देखो आप नरेंद्र मोदी जी की 15 साल मिले नरेंद्र मोदी जी को, और 15 साल के अंदर उन्होंने सारा क्या हमको चाहिए ऐसा प्रदेश, क्या हमको चाहिए ऐसा प्रदेश जहां विकास विकास और ज्यादा विकास करके प्रदेश के लोग खुशहाली के अंदर जिए? क्या हमको ऐसा प्रदेश चाहिए? हमें ऐसा प्रदेश चाहिए राजस्थान जैसा, जिसने दस गुप्त में पहुंचा के रख दिया अपने लोगों को। उधर नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का गुजरात पूरी दुनिया जानता है नाम उसका। एक समय था जब पूरी दुनिया जानती थी राजस्थान का नाम, इतिहास में अगर किसी का नाम लिखा था तो गुजरात का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, राजस्थान का नाम था। इतिहास के लोग जब देखने आते थे तो पहले हमारी जन्म जिस भूमि को छूते थे, इस माटी को अपने माथे को लगाते थे और कहते थे कि ये है वो राजस्थान जिसके बारे में हमने इतना सब कुछ सुना है। आज हमारे क्षेत्र प्रदेश के अंदर कोई आता नहीं है, आते हैं तो गुजरात में जाते हैं जहां 15 साल में उसने कायापलट कर दी है, आते हैं तो मध्य प्रदेश में जाते हैं जहां 10 साल में उनने कायापलट कर दी है, और राजस्थान जहां 53 साल एक ही परिवार और एक ही पार्टी ने राज किया है, अब उसको देखने के लिए कोई नहीं आता। हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा नया राजस्थान बने। आप भी चाहते हो, आपने भी यह देखा, फिर से लोग आए हमारी भूमि को छुए और फिर से कहे कि हाँ ये है वो राजस्थान जिस राजस्थान के पीछे हम सब कायल हैं। कितना हो गया हमारे राजस्थान को, मैं देख रही हूं। मैंने संदेश यात्रा निकाली तो मेरे पीछे पीछे मैंने संकल्प यात्रा निकाली तो मेरे पीछे पीछे संदेश यात्रा निकली। मैंने संदेश यात्रा पीछे पीछे निकली, मैंने कहा अभी आप 4 महीने में संदेश यात्रा क्यों निकाल रहे, क्या संदेश देना चाहते हो राजस्थान को? क्या ये संदेश देना चाहते हो कि हमारा किसान आत्महत्या करने आ गया और हमारी माता बहनें अत्याचार से घिरी हुई है? क्या संदेश देना चाहते हो? मैं गई नागौर तो भागे भागे जाकर नागौर परियोजना का सोनिया गांधी ने आके शिलान्यास किया। मैं गई सूरतगढ़ तो बिजली का बहुत बड़ा वहां थर्मल पावर प्लांट है, उसको करने के लिए सोनिया गांधी आ गई। अरे मैं पूछना चाहती हूं कि ये पहले 4 साल में आप लोगों ने क्यों नहीं किया? नागौर के अंदर 2000 करोड़ मैंने छोड़े थे और मैंने वायदा किया था नागौर के लोगों को कि मीठा पानी पिला के जाऊंगी और वादा पूरा करके 700 करोड़ का मीठा पानी पिला के नागौर को मैंने छोड़ा। मैंने कांग्रेस के पास क्या छोड़ा था? उनको सिर्फ इतना ही कहा कि 502 गांव है नागौर के, उसको पानी पिला दो, और नागौर जो हमारा जिला है उसके अंदर पानी पहुंचाने की जरूरत है, वहां पानी पहुंचा दो, तो वो नहीं कर सके। परंतु नागौर से जब हम निकले सोनिया गांधी को जल्दी जल्दी बुलाया और बोला कि यहां आप शिलान्यास कर जाओ तो यहां की जनता अपनी बातों में आ जाएंगे, जनता किसी की बातों में नहीं आनी है। मैं कहीं से निकली तो लैपटॉप के पैसे, वहां से निकले तो महिलाओं को साड़ी, वहां से निकले तो जो साइकिल के पैसे थे वो दे दिए। अरे जब ऐसे सौगाते बांट रहे, खैराते बांट रहे हैं जैसे उनके बाप का पैसा है, मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ आपका पैसा है, और इस पैसे को अगर 4.5 साल सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो आज हमको इस तरीके से बैठने की जरूरत नहीं होती। हम सब लोगों को अपना सब कुछ जो हम चाहते थे हमको मिल जाता। आज ये स्थिति इन्हीं लोगों की वजह से हुई है, 4.5 साल के अंदर खैरात और सौगात बांटकर क्या उनको ये लग रहा है कि हम लोगों को खरीद लेंगे? ये हमारा पैसा है ले लो। परंतु मैं ये कहती हूं कि अभी तो साड़ी दी है, फिर बच्चों को कुर्ता पजामा दे दिया है, और मैं जानती हूं कि कुछ ही दिन में आपको थाली और कटोरी भी मिल जाएगी तो पूरा घर बचा लो। अपनी साड़ी भी मिल गई, कुर्ता पजामा भी मिल गया, अपने कांटा छुरी चम्मच और वो सब कटोरी और वो सब मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा, चिंता मत करो। पर मैं तो सोचती हूँ आगे चलते चलते जो जो मैं कहते जाती हूँ मेरे पीछे पीछे करते जाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार है, इस सरकार ने व्यवस्थित तरीके से क्यों नहीं किया? आप सब जानते
योजना की। उस 12 साल योजना को मैंने 2007 के अंदर शुरू किया था। यह 12 साल योजना SC ST BPL परिवार जो लघु सीमांत कृषक इन सब के लिए था। इसमें महिला को कार्ड मिलता, उस कार्ड के ऊपर 30,000 रुपया आपको हेल्थ सिक्योरिटी का वो मिलता, क्या बोलते हैं उसको, वो मिल जाता 30,000 रुपए का। और उसके साथ साथ आप लोगों को 1500 रुपए उनको मिलता प्रोत्साहन राशि के हिसाब से। और वो कार्ड के ऊपर फिर आप अपना काम कर सकते थे, लगातार आपको पेंशन मिलती, सब कुछ मिलता। ये 7.5 साल तक मिलता, अभी क्यों दे रहे हो पेंशन, 7.5 साल क्यों नहीं दिया। मैं तो खाली उपाय कहना चाहती हूँ कि जो लोग हमको अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं रख सकते, क्या उन लोगों को सरकार की कुर्सी पर बैठने का कोई हक है? जो पानी नहीं पिला सकते, जो बिजली नहीं दे सकते, क्या उनको कुर्सी पर बैठने का हक है? जो सड़क नहीं बना सकते, जिनके अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, जिनके स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, क्या वो एक कुर्सी पर बैठने के हकदार है? मैं पूछना चाहती हूँ भाई, आप लोग सभी यहां बैठे हो, किसी को मुफ्त दवाई या मुफ्त जांच हो रही है क्या? एक डॉक्टर है ही नहीं। मैं देख रही हूँ महिला डॉक्टर पूछती हूँ तो महिला डॉक्टर है ही नहीं। अरे माता बहने, मुझे मालूम है कि आपकी बच्ची अगर स्कूल से या कॉलेज से थोड़ी सी लेट हो जाती है तो दिल धड़कने लगता है कि हमारी बच्ची का क्या होने वाला है, क्या वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जब से परंतु आज किसी ने हमारी बच्चियों का हमारा सुरक्षा देने का कोई काम नहीं किया है। और जो जो घर का मुखिया है और वो घर का मुखिया हमारी इज्जत को बचा नहीं सकता है, तो क्या उसको चुल्लू भरपाने में धूप के मरने जाना चाहिए? बिल्कुल मरना चाहिए। मैं आप लोगों को यही कहने आई हूँ आज, ये एक नया राजस्थान हम लोगों को मिलकर बनाना है। क्या आपकी तैयारी है? क्या आप लोग चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बने जहाँ हमारे बच्चों को नौकरी मिले, उनको बाहर जाने की जरूरत न हो? चाहते हो कि नहीं? क्या वो चाहते हो कि हमारी महिला इज्जत के साथ सुरक्षित सड़क पर चले? क्या आप लोग चाहते हो कि हमारे किसान अपने पैरों पर खड़े होकर मजबूत हो जाए? अगर आप चाहते हो तो क्या इतनी हिम्मत है जो इस सरकार को उस कुर्सी से उठा कर नीचे करे जिस तरीके से आप लोगों ने पहले किया था? क्या मेरे को तैयार हो? तो हम लोग सब अपने हाथ से तैयार करें कि हम संकल्प ले या 36 के 36 कौम सब अपने या सब मजहब ये लोग मिलके एक परिवार के रूप में नए राजस्थान का नारा लेके जब चल पड़ेंगे तभी काम होगा। मैं अकेले या हम में से कोई भी अकेले कोई काम नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, सब लोग जब मिलेंगे तब ये काम हो सकता है। और मैं आप लोग सबको विश्वास देना चाहती हूँ कि राजस्थान बनेगा, लोग आएंगे, खुशहाली आएगी, समृद्धि होगी। परंतु यह आपके ऊपर है, आप जिस दिन तय करोगे उस दिन भगवान के आशीर्वाद से यह काम हो जाएगा। आपको कभी मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी। ये विश्वास से दिला के आप लोगों को आज जाना चाहती हूँ। ये भी मैं कहना चाहूंगी, जो लोग हम लोग जो भी जब हमारे समय आया और हम लोगों को राज आपने सौंपा, तो मैंने उस दिन आपको घोषणा की थी कि ये राज करने के लिए नहीं, आप लोग सबकी सेवा के लिए समर्पण करने के लिए हम लोग आज इस पंच के ऊपर खड़े हैं। और मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ कि ये कितना भी हम लोगों को डराए और धमकाए, हमने तय कर लिया है कि हम सबका बूंद बूंद खून हमारी जनता का है, हमारे परिवार का है। और अगर हमको सड़क के ऊपर उतर के उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हमने तो कोई पीछे नहीं हटने वाला है। सब लोगों ने ये प्रण ले लिया है। क्या आप तैयार हो हमारे साथ लड़ने के लिए? सीबीआई क्या चीज होती है आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। मैं अभी गांव में गई थी तो गांव में लोगों ने मेरे से कहा कि 3 बच्चे हैं, उनको डेथ हो गई है, सीबीआई में केस जाना चाहिए। मैंने उनको सबको कह दिया कि सीबीआई का केस आपकी सीबीआई आप लोगों के लिए नहीं है, सीबीआई तो हम जैसे लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। ये तो गुलाब जी को पकड़ने का है, ये तो हम लोगों के ऊपर उंगली डालने का है, ये आप लोगों के ऊपर आपके केसेस के लिए नहीं है, ये कोई आपके लिए नहीं है। तो डराएंगे, धमकाएंगे, इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, परंतु हम लोग कोई भी डरने वाले नहीं है। तो हमने प्रण ले लिया है कि हमारा आज ये हम काम करेंगे तो जनता के लिए करेंगे। और हमें कोई डराने को आएगा तो हमने चूड़ी नहीं पहनी है कि हम डर के मारे उसे छोड़ के भाग जाएंगे।
भाइयों, पेट्रोल बढ़ गया था ना, 2 रुपए बढ़ गया था, अब डीजल पे क्या भाव हो गया? मेरे को तो कोई बता रहा कि 50 रुपए डीजल भी बढ़ गए, बढ़ गए ना? आप लोगों को बता ही हो, अपनी तो इतनी संवेदनशील सरकार है कि हम लोगों के कोई भी चीज के बारे में सोचती तो है नहीं। हमने सोच लिया कि भाई डीजल के 50 पैसे बढ़ गए तो हम लोग सब अभी कितने पैसे हो गए पूरे डीजल के प्रति लीटर? 53 ना, तो अभी तो 54 हो गए ना। तो क्या है मुसीबत? बहुत तक पहुंच जाएगी, अभी क्या चलता है? चलते चलो, डीजल पेट्रोल, डीजल पेट्रोल महंगा तो सब चीज महंगी। और इसीलिए आज मैं आप लोगों को कह रही हूं कि आपको आएंगे पहले तो लुभाएंगे। आप अगर पैसा नहीं लोगे तो ये जाएगा काले धन में, इसीलिए पैसा अपना है उसको ले लीजिए। परंतु आगे चल के विवेक के साथ अपने को वोट अपना देना है। अपने को याद रखना है कि जिन लोगों ने हम लोगों को पीछे पड़ के खत्म करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को बिल्कुल कुर्सी पर बैठने नहीं देना है। ये याद करके